नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम कक्षा दसवीं की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उससे हम प्रेमचंद जी की बहुत विख्यात कहानी बड़े भाई साहब का सारांश करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े भाई साहब की समरी। ये प्रेमचंद जी की बहुत ही ऐसी मजेदार कहानी है कि इसमें व्यंग्यात्मकता है, वक्रोक्ति है, परिहास है, हास है और एक मजे का आनंद है जो दो भाइयों के बीच में अक्सर घटा करता है। तो चल देखिए, इसमें जो छोटा भाई है वो इस कहानी का वाचक है, वो हमें कहानी सुना रहा है, नरेटर है वो। बड़े भाई उससे 5 साल बड़े हैं, लेकिन कक्षा में उनकी जो अंतर है वो केवल 3 साल का है, 3 साल ही वो कक्षा में आगे है। बड़े भाई साहब बहुत पढ़ते हैं, दिन रात उनके हाथों में किताबें रहती हैं, खेलने कूदने से उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। दुनिया भर के जितने काम बच्चे करते हैं, लड़के करते हैं, उनकी उम्र के लोग करते हैं, वो उनसे उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। छोटा भाई जो 8 साल का है वो ज्यादा खिलंदड़ है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, खेलने कूदने में जो है उसकी रुचि ज्यादा है। और बड़े भाई साहब और दोनों हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हैं। अब बड़े भाई साहब चूंकि बड़े हैं इसलिए उनको बार बार लगता है कि छोटे भाई की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है, और इसलिए उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए वो अक्सर छोटे भाई को डांटते फटकारते रहते हैं कि देखो भाई, खेलने कूदने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई बहुत कठिन है और उसको ठीक से पढ़ो, तुम्हारे ऊपर निगरानी रखना, तुम्हारे ऊपर डांट फटकार के जरिए तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखना, ये कर्तव्य मेरे हैं। तो इस तरह जो है वो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में बिल्कुल विरोधाभास है, विपरीत उनकी रुचियां हैं, आदतें हैं, स्वभाव है। एक पढ़ने में दिन रात डूबा रहता है, दूसरा पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता। लेकिन होता यह है कि परीक्षा होने पर बड़े भाई साहब जो खूब पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं, और छोटा जो खेलता कूदता रहता है और कभी कभी किताबें भी पढ़ लेता है वो पास हो जाता है, वो प्रथम दर्जे में पास होता है। तो हुआ यही कि उस साल छोटा भाई जो है वो पास हो गया, प्रथम दर्जे में पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन, और बड़े सा भाई साहब फेल हो गए। अब छोटे भाई साहब को लगा कि मैं तो खेल भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, प्रथम श्रेणी भी ले आता हूँ, अब बड़े भाई साहब को जा करके जरा सुनाता हूँ कि आप इतना उपदेश देते हैं, इतनी डांट फटकार लगाते हैं, खेलने कूदने पर इतनी पाबंदी आप करते हैं, मुझे नहीं खेलने देते, खुद भी नहीं कहीं जाते, दिन रात पढ़ते हैं, पर आपके पढ़ने से नतीजा निकला क्या? आप तो फेल हो गए। लेकिन जब छोटे भाई बड़े भाई के सामने पहुंचे तो बड़े भाई साहब का उदास चेहरा देखकर, दुखी चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बड़े भाई से इस तरह की कोई बातें करे, तो वह खामोश रहा। लेकिन बड़े भाई ने अपना कर्तव्य करने का जो उनके अंदर एक जुनून था, क्या उनका फर्ज है छोटे भाई को समझाना, उन्होंने उससे कहा कि देखो, छोटी मोटी क्लास में पास हो जाने से कुछ नहीं होता, आप अंग्रेजी पढ़ोगे, गणित पढ़ोगे और इतिहास जब पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या है। बादशाहों के, राजाओं के, अंग्रेजी बादशाहों के, उनके जन्म की तारीखें, मौत की तारीखें, राजगद्दी पर बैठने की तारीखें, राजगद्दी से हटाए जाने की तारीखें जब याद करोगे तो पसीने छूटे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं
कि जरा ठीक से पढ़ो, ध्यान लगाओ और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि एक बेहतर इंसान बन सको। छोटा भाई बड़े भाई की बातें सुनता रहा गर्दन झुका करके। उसे एहसास था कि बड़े भाई उसका कितना ध्यान रखते हैं, खुद भी कहीं खेलने नहीं जाते, खुद भी किसी तरह के मनोरंजन में हिस्सा नहीं लेते, निरंतर पढ़ते रहते हैं। तो छोटे भाई ने तय किया कि अब मैं भी ऐसा करूंगा कि एक टाइम टेबल बनाता हूं, कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ने बैठना है, कितने बजे कौन सा विषय पढ़ना है, कब नहाना है, कब खाना खाना है, कब स्कूल जाना है, लौट कर कब आना है, शाम को क्या करना है, एक विस्तृत टाइम टेबल। और छोटे भाई ने जो है टाइम टेबल बना लिया, सारे टाइम फिक्स हो गए, कब पढ़ेंगे, कब उठेंगे, कब खेलेंगे और कब स्कूल जाएंगे। पर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। टाइम टेबल बना और कागज जो है वो पड़ा रहा। दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, पर टाइम टेबल पर छोटे भैया की नजर नहीं पड़ती। उनकी नजर पड़ती है मैदान में कि वहां लोग खेल रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, मटर गस्तियां हो रही हैं, तो धीरे से वो भी हॉस्टल के मैदान में निकल जाते और वहां कुछ नहीं तो कंकड़ फेंक रहे हैं, तितलियां पकड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तरह तरह से जो है वो अपना समय इस तरह से वो खेल कूद में निकालते हैं और पढ़ाई लिखाई सब धरी रह जाती है। फिर इम्तहान हुआ दूसरा साल और नतीजा फिर वही आया, बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और छोटा भाई फिर से एक बार और पास हो गए। अब एक साल का अंतर बचा क्लास में, बड़े भाई और उदास हो गए और दुखी हो गए। छोटा भाई बहुत खुश था कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूं, खेलते कूदते पास हुआ हूं, मेरे लिए खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, दोनों में मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता, मैं बढ़िया पढ़ता हूं, बढ़िया परीक्षा देता हूं और अच्छे अंकों से पास होता हूं। लेकिन बड़े भाई की उदासी से उनकी खुशी गायब हुई। उसे लगा कि जब बड़े भाई दुखी हैं फेल हो जाने से, ऐसे समय में अगर मैं खुशी मनाता हूं तो अच्छा नहीं है। तो उसकी ना तो कुछ कहने की हिम्मत पड़ी और ना ही उसने अपनी खुशी का इजहार किया। अब बड़े भाई भी थोड़ा उसके प्रति जरा उदार हो गए, डांट फटकार कम हो गई, उसके ऊपर लगी हुई पाबंदियां पर उन्होंने उपदेश देना कम कर दिया और छोटा भाई अंदर ही अंदर इस बात पर मगरूर होकर कह रहे हम कुछ भी करें आते तो प्रथम श्रेणी में हैं। तो उनका खेल कूद और बढ़ गया, उनका अहंकार और बढ़ गया, उनकी मनमर्जियां और बढ़ गईं। तब कई दिनों के बाद बड़े भाई साहब को फिर से एक बार छोटे भाई को नसीहतें देना पड़ी। कहा देखो तुम पास हो गए हो, प्रथम श्रेणी में पास हो गए हो, इसके घमंड में मत आना, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तुम्हारा कहां से रहेगा। अरे अभी तो छोटी कक्षाएं हैं, बड़ी कक्षाओं में आओगे तो समझ में आएगा, ध्यान देना आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, ज्यादा बेहतर नंबर लाओगे तो अच्छे ओहदे पर जाओगे। इस तरह की तमाम बातें जो है वो उन्होंने उनको सुनाई, यहां तक कह दिया कि भैया जो तुम पास हो गए ना, ये अंधे के हाथ बटेर लग गई है, अर्थात तुम्हारे पास होने में तुम्हारी मेहनत का कोई हाथ नहीं है, अब धोखे धंधे से तुम्हारे कुछ प्रश्न तुमसे बन गए और तुमको नंबर मिल गए और तुम पास हो गए, तो उस पर इतराओ मत। इस तरह बड़े भाई साहब ने अपनी फटकार लगाने की प्रवृत्ति जारी रखी और इस प्रवृत्ति से छोटे भाई को
बुरा लगा, डांट फटकारों से हर बार पड़ती है, पास होता रहता है, डांट खाता रहता है, प्रशंसा कभी नहीं होती। लेकिन एक दिन जो है भाई साहब उनको छोटे वाले को समझा रहे थे हॉस्टल के मैदान में, उसे खेलते हुए उन्होंने पकड़ लिया था और वहीं फटकार लगाना शुरू कर दिया और उससे बता रहे थे कि देखो हमको हमारे दादाजी ने यानी पिताजी ने यहाँ पढ़ने भेजा है, अगर हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, पास नहीं होंगे, अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो उनको दुख होगा, उनको तकलीफ होगी, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बातों को ध्यान से समझें, सुने और इन पर अमल करें और अपने आप को थोड़े से नंबर पा जाने से, पास हो जाने से ज्यादा इतराए नहीं बल्कि गंभीरता से अगली कक्षा के बारे में विचार करें और मेरे अनुभवों से कुछ सीखो, पढ़ो, मेहनत करो, चार चार छः छः घंटे जब आप टेबल पे बैठेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तैयारियां करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब अच्छे नंबर आए। अभी वो ऐसा समझा ही रहे थे कि आसमान में एक पतंग कट करके आई और उसी तरफ को वह उड़ती हुई आ रही थी, पीछे बहुत सारे बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे। भाई साहब की नजर पतंग पर पड़ी, वो जरा लंबे भी थे, तो उन्होंने एक छलांग लगाई, पतंग की डोर पकड़ी और पतंग लेकर हॉस्टल की तरफ भाग गए। यहां ये कहानी समाप्त होती है। ये जो अंत है वो ये बताता है कि हम चाहे कितना भी अपने आप को सयाना बना ले, हम चाहे कितना भी कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से, अप्राकृतिक रूप से अपने को प्रौढ़ बना करके और पढ़ाई लिखाई के प्रति गंभीरता दिखाएं, लेकिन हमारी उम्र का, हमारे बचपन का, हमारी किशोरावस्था का हमारे ऊपर असर रहता है, उसका तकाजा है कि उसका आनंद लिया जाए, उसका निषेध न किया जाए, भरपूर तरीके से जिंदगी को जिया जाए। खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना, पढ़ने के लिए सब त्याग देना ये बात अब पुरानी पड़ गई। और इसलिए वो बड़े भाई साहब जो घंटों किताब के एक पन्ने पर ही अटके रहते हैं, निरंतर टेबल कुर्सी पर ही बैठे दिखते हैं, उनके मन में भी अंदर एक बच्चा है, एक किशोर है जो उसी तरह पतंग उड़ाना चाहता है, तितलियां पकड़ना चाहता है, कंकर उछालना चाहता है जैसे दूसरे। और इसलिए जब पतंग कटकर आई तो उन्होंने सारे उपदेश जो दे रहे थे उसके विपरीत आचरण किया, पतंग की डोर पकड़ी और दौड़ लगाकर हॉस्टल की ओर चले गए। तो यह था प्रेमचंद जी का बड़े भाई साहब कहानी का सारांश। हमारा आपसे अनुरोध है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।